ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले एक साल में बहुत अच्छा रिस्पांस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मिला है। हज़ारों व्हीकल्स जो हैं पिछले एक साल में दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रहे हैं। पिछले क्वार्टर की जितने व्हीकल्स बिके उसमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शेयर लगभग 7% के आसपास है। सबसे सस्ता चार्जर अगर आप कहीं लगवा सकते हैं तो वो दिल्ली है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई टू व्हीलर या थ्री व्हीलर अगर कोई चार्जर लगवाना चाहता है तो केवल 2500 रुपये में वो लगवा सकता है। तो पहला स्टेट जिसने प्राइवेट इवन चार्जर्स पे अगर सब्सिडी देने की सोची तो वो माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार है। वी हैव कम आउट विद अ सिंगल विंडो सिस्टम। इसका मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को चार्जर लगाना है उसको एप्लीकेशन से स्टार्ट करके इंस्टॉलेशन के साथ और इवन सब्सिडी के साथ उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जो डिस्कॉम्स हैं उनकी वेबसाइट पे जाके उनको अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बिल्कुल कम से कम रखी है। जो भी एप्लीकेंट है उसको अपना सिर्फ सीए नंबर कोट करना है, जो उसका बिजली का जो मीटर है उसका नंबर उसको कोट करना है। 6000 रुपये की सब्सिडी माइनस करके जो 2500 रुपये के आसपास जो बचेगा सिर्फ उसको वो देना है। जो भी इस प्रकार से चार्जर लगाएंगे, चाहे वो मॉल है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे सिनेमा हॉल है, पार्किंग एरियाज हैं, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए वो सुविधा जो है उनको क्रिएट करनी पड़ेगी। जो नई बिल्डिंग्स बनेंगी उसमें लगभग 20% के आसपास जो स्पेस होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग के लिए एयरमार्क करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पर दौड़ें और उसके साथ साथ दिल्ली का पोल्यूशन भी कम हो।